असम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। असम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद से 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद असम जनसंपर्क विभाग की ओर से इस फैसले को लेकर एक बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि छोटे परिवार के मानक के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इस नई नीति के तहत ये शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से ये ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा ना हो। बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। इसके साथ ही 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उस व्यक्ति या फिर परिवार को सरकारी योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत नगर निकाय चुनाव या साहित्य परिषद चुनाव में भी उम्मीदवार के लिए ये नियम लागू होगा।